आज का जो क्विज है बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाताल लोक से इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, इन तीनों को अब तक पता नहीं है, तो देखते हैं ये तीनों कितने एक्साइटेड है इस क्विज के लिए। हेलो गाइस, हेलो पीपल, क्या आपको पता है कि ये क्विज किस बारे में? मुझसे आइडिएशन टीम ने 3 बार पूछा कि क्या आपने पाताल लोक देखा है, तो मुझे लगता है ये पाताल लोक के बारे में है। तो कैसा लगा आप लोगों को पाताल लोक? यार, I quite liked it. It was better than a lot of its contemporaries. Like मैंने काफी इंडियन वेब सीरीज़ देखे हैं। This one I liked quite a bit because it was really engaging. मुझे पता है पाताल लोक बहुत ज़्यादा पसंद आया, specially because मेरे डैड ने दिल्ली पुलिस में 40 इयर्स तक सर्व किया है, सो जो हाथीराम चौधरी की और उसकी फैमिली की स्ट्रगल्स थी, आई कुड रिलेट टू देम। सो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं शायद मैं अपनी लाइफ को भी देख रहा हूँ, सो आई लव्ड एवरी बिट ऑफ इट। क्या आपको लगता है कि आपने पाताल लोक बड़े ध्यान से देखा है? आपको कैरेक्टर्स, आपको सीन्स, आपको हाइलाइट्स सब याद होगा? यार ध्यान से तो देखा है लेकिन गोल के पिया नहीं है, तो अब पता नहीं तुम सवाल कैसे पूछोगे। ओके गाइस, आर यू रेडी? अपने कॉपी किताब निकालो बच्चों। सर मेरा पेन गुम हो गया, एक सेकंड। लो, थैंक यू। ओके, बिल्कुल जैसे क्लास के बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं बिल्कुल वैसे ही कर रहे हो, बिल्कुल नहीं बदले। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, ध्यान से सुनना, व्हाट डू द 3 लोक्स रिप्रेजेंट इन द शो पाताल लोक? ये थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, बहुत लंबा आंसर है सर। इट्स नॉट फैक्चुअल यार। ओके, अगर ऐसा लग रहा है तो फिल्म में कुछ डायलॉग्स भी है जहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे ये रहता है, यहाँ पे ये रहते हैं, मे बी यू कैन ट्राई टू रिमेम्बर दैट। लिख दिया मैंने। डन। ओके, टाइम टू शो, 1, 2, 3, गो। ओके, आकांक्षा से शुरू करते हैं। स्वर्ग लोक भगवान, धरती लोक इंसान, पाताल लोक कीड़े। ओके, अंतिल, स्वर्ग लोक रिच, धरती लोक इंसान, पाताल लोक कीड़े। कौस्तुभ तेरा आंसर दिखने रहा थोड़ा इधर कर। स्वर्ग लोक लुटियंस दिल्ली, धरती लोक नोएडा एंड वसंत कुंज, पाताल लोक जमुना पार। मैंने सर, मैंने ये वाला भी लिखा है। आप तीनों में से अंतिल वॉज वेरी क्लोज, कौस्तुभ वॉज रॉन्ग एंड आकांक्षा इज राइट। मैंने भी तो सही लिखा है, सब कुछ लिखा है मैंने। नहीं, तुम्हारा आधा इंटरप्रिटेशन पे है, द अदर हाफ इज एक्चुअली बैंग ऑन द डायलॉग। इधर इधर गलियां का ले रहे हो जमुना पार की। वाह, जस्ट बिकॉज तुम्हारा जवाब सही हो गया तो अब तुम प्रूव करके मानोगी ना? रुको बेटा, अगला सवाल पूछो तुम। Which police station is the show based on? Done. दिखाएं। आकांक्षा जमुना पार, अंतिल आउटर जमुना पार, कौस्तुभ आउटर जमुना पार। ओके, आकांक्षा रॉन्ग, कौस्तुभ एंड अंतिल राइट। आउटर जमुना पार इज द स्टेशन। आउटर लिखना जरूरी था। हाँ, देखा, अभी अभी तुम पिछले क्वेश्चन में बोल रही थी ना कि शो के हिसाब से शो के अंदर आउटर जमुना पार है। भगवान ने बदला लिया है। नेम द एक्टर हु प्लेड हाथीराम चौधरी इन द शो। लिखिए सर, लिखिए। काफी जोश लगता है, सबको आता ही आंसर। क्या बात है, सबके आंसर सही है। A big round of applause for जैदी पहलावत, because I don't think कि उनके अलावा ये रोल और कोई भी इतने अच्छे ढंग से कर सकता था। He has lived that character. Guys, do you remember that scene जहाँ वो ऑटो वाला उसकी वाइफ उसको थप्पड़ मारती और ऑटो वाला देखता रहता है तमाशा, तो कहता है रोटी खा के जाएगा के? I died laughing. What? Hello guys. What's up? Hello. क्या जा रहा था पीछे से? नमस्कार। चुपके आराम से चीखी जा रही है। नमस्कार नमस्कार भाई, कैसे? What a sir, amazing wow. Thank you. सर आपको पहले देखा, ऐसा है हाथीराम कहीं भी पहुंच सकता है, हाथीराम ड्यूटी पे हो चाहे नहीं हो। बहुत अच्छा सर, आपने क्या ड्यूटी निभाई है सर? I'm starstruck अभी सर, I can't say।
सर वेलकम टू ओके टेस्टेड. थैंक यू सत्यम, थैंक यू सो मच भाई. क्या चल रहा था अभी तक? तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अभी थोड़ा ऑफ ट्रैक है. जैसा कि सर आप एक्सप्रेशन से देख सकते हैं, इन तीनों में से किसी को नहीं पता था कि आप जॉइन करने वाले हैं. सो सब थोड़े सरप्राइज हैं. क्या चल रहा था, क्या क्या गुफ्तगू हो रही पीछे पीछे? सो बेसिकली हम ये क्विज कर रहे हैं कि हाउ वेल डू यू नो पाताल लोक. हम लोग इनफैक्ट अभी बात कर रहे थे कि पाताल लोक में हमारा सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है. सो वी वुड वांट टू नो फ्रॉम यू दैट थोड़ा मुश्किल हो जाता है. एंड आई एम सो लकी कि मुझे हाथीराम मिला. पर मुझे लगता है कि सबसे मुश्किल किरदारों में से एक है हथौड़ा, क्योंकि बोलना नहीं होता है और जब बिना बोले कुछ करना होता ना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है हैंडल करना. तो वो एक किरदार है जो मुझे बहुत कमाल का लगता है. ओके सर, तो शो के बारे में और आपके बारे में हम बातें करते रहेंगे, ये चालू रहेगा. अब जो सवाल है वो जयदीप जी पूछेंगे आप लोग से, जो शुरू करते हैं. अच्छा, संजीव मेहरा का जो न्यूज चैनल, उसका नाम क्या है? अरे यार लिख लिया. फर्स्ट ऑफ नॉट नो चीटिंग. बाहर से देख रहे कुछ? अरे मैं सोचता हूँ इधर उधर देखता हूँ सर. अच्छा, फिर ठीक है फिर. मतलब शिट इज गेटिंग रियल, अब तो सत्यम से भी ज्यादा डिफिकल्ट सवाल पूछ रहे हो. दिखाओ फिर, और कितना लंबा टाइम लगेगा? दो एक नाम ही तो लिखना है न्यूज चैनल का. अंतिल ने दिखा दिया आकांक्षा. और कोई आकांक्षा, नो चीटिंग. ठीक है, मैंने भी लाइव टुडे लिखा. आई पास. सत्यम बताओ, असली जवाब बताओ. अंतिल कौस्तुभ दोनों का जवाब गलत है. आकांक्षा ऑलरेडी गिव अप. सही जवाब है न्यूज NBW. अरे यार था, ओ मैंने ABW लिख दिया. तुम तो रहने दो, तुम बहुत ही दूर थे, लाइव टुडे पे कहीं गए हुए थे. मैं बता दो सर, आसपास भी नहीं थे. सर मैं लखनऊ में रहता हूँ, अभी मैं निकला था किसी काम के लिए, देखा ऐसे ऐसे लोकल न्यूज चैनल थे, लाइव टुडे लिखा था मेरे दिमाग, वो छपा हुआ है. मैं ऐसे कैसे नाम हो सकता है, वही छपा हुआ था मेरे दिमाग में. चलो अब ये बताओ थोड़ा टैगी कहाँ से था, जल्दी लिखो. सर वैसे हथौड़ा त्यागी से, विशाल त्यागी से आपका ऑफ स्क्रीन कैसा दोस्ती है? बहुत बढ़िया यार, हम बहुत पुराने जानकार हैं. मुझे आज भी याद है, बहुत पहले जब FTI से निकल के आया था तो एक फिल्म बन रही थी उन दिनों, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, फर्स्ट वन, 2010 की बात है मेरे ख्याल से, 9 या 10 की बात है, तब से जानते हैं कुछ. हाँ जी, जवाब का टाइम है. कौस्तुभ अभी भी सोच ही रहा है. कौस्तुभ दिखाओ. कौस्तुभ ने गलत लिखा हुआ है. आउट ऑफ जमना पर कौस्तुभ, ये जो आउटर जमना पार था ना, इसी में डालूंगा मैं तुम्हें. ओके अंतिल एंड आकांक्षा करेक्ट, कौस्तुभ रॉन्ग आंसर अगेन. सामने सुना है आपके पास एक टीचर की डिग्री है, आप डिफेंस में जाना चाहते थे और आप लिखने का भी शौक रखते हैं. ये टीचर की डिग्री कहाँ से पता चली ये? बाकी तो मैं बताता रहता हूँ सर. अब आप लाइमलाइट में है, लोग बातें निकाल लेंगे आपके बारे में. हाँ यार, मेरे पास एक्चुअली प्राइमरी टीचर की डिप्लोमा है. एक बार पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए सब इंस्पेक्टर ऑलमोस्ट भर्ती हो गया था, तो लास्ट स्टेज में ही नहीं पहुंचा, तो मैंने कहा छोड़ो मुझे नहीं जाना. तो क्या आपने एक्टिंग इसलिए चूज किया ताकि ये सारे रोल आप प्ले कर सके स्क्रीन पे? नहीं, ऐसा नहीं है. जब मैंने थिएटर शुरू किया तो आई थिंक मैं अपने खुद के फेलियर से भाग रहा था. मुझे ऐसा लगता था उस उम्र में कि क्योंकि होता ना कि बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है 20-22 साल के एक लड़के का कि अगर फौजी नहीं बनागा तो तू करेगा ही क्या. तो आई थिंक अपने फेलियर से भागा हुआ एक लड़का जो जिसको स्टेज मिल गया, मंच मिल गया, अपनी सारी एनर्जी और गुस्सा निकालने का. एक्टिंग सिर्फ इससे शुरू हुई थी कि वो एनर्जी निकल जाती थी वहां जाके और बस फिर नींद बढ़िया आ जाती थी और कुछ. गाइस सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द क्रिएटर ऑफ द शो पाताल लोक? आई एम नॉट श्योर अबाउट द स्पेलिंग, सॉरी. ओके अंतिल, क्या लिखा हुआ है, नाम पढ़ के बोलो. अभिषेक बैनर्जी. सॉरी, क्रिएटर ऑफ द शो. कंफ्यूजिंग विद द नेम्स. वेट. कौस्तुभ ने क्या लिखा है? कौस्तुभ सुदीप रॉय इज रॉन्ग. कौन सी दफा लगाई जा सकती है कौस्तुभ पे, धारा कौन सी लग सकती है? लगा दीजिए सर आप. I've written another name. I have not written it now. Just tell me if this is right. Dipankar Banerjee. Wrong. Akanksha. Dipankar Banerjee. So until right, Akanksha and Kaustubh wrong.
आई हैव वन क्वेश्चन. यस सर, अभी हम थोड़े ऑफेंस वाले ये में रहते हैं एनवायरनमेंट में. पीपल लव टू टेक ऑफेंस एंड लाइक गेट ऑफेंडेड. सो यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द फीडबैक्स दैट इज कमिंग फ्रॉम सम पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी where they are not okay with, even though the show mirrors the society, they are like, it's, they are taking it personally. So were you, do you have any idea, some people might take it like that? कोई किसी की बायोपिक नहीं है, किसी का पर्सनल लाइफ नहीं है, कोई सोसाइटी पर्सनली आपको देखी नहीं बताई गई है. क्या होता ना, आपने बोला कि हम बड़े टची हो जाते हैं इस चीजों को देख के, और जो जिनके लिए होना चाहिए उनके लिए होते नहीं है जिन चीजों के लिए. तो बिल्कुल नहीं सोचा गया था किसी की भी भावनाओं को आहत करने के लिए. कोई हमारा कोई मकसद नहीं था. ओके सो द क्विज इज ओवर और इस क्विज के विनर हैं अंतिल डेफिनेटली. यस कॉस्ट्यूम को तो मुझे लगता है माइनस में कुछ नंबर चले गए. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. बहुत ही मजा आया आपसे बातें करके, बहुत सारे शो के इनसाइट सुन के आपसे, एंड टोटल फैनबॉय मोमेंट. My husband is sleeping happily inside. अभी मैं उसको बताऊंगी ना क्या हुआ. He'll regret sleeping so much. Thank you. बहुत अच्छा लगा आप लोगों को. Suddenly आप लोगों के बीच में मैं jump कर गया. और thanks for listening to me. Playing this quiz, which is amazing. पहले मैंने सुना था Zoom पे ऐसा privacy issue है, कुछ अनजान लोग भी कभी कभी आ जाते हैं. मुझे लगा it's happening right now. Then I looked at you. I was like, no, something else is happening. एक आखिरी सवाल ये बता दीजिए. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में डेफिनेटली लिख देना वी लव यू जयदीप सर. एंड आल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स यार. एंड प्लीज सब्सक्राइब टू ऑके टेस्टेड. आपको बहुत मजा आएगा. और आप जिन लोगों ने नहीं देखा प्लीज आगे पाताल लोक देखिए और ये सब्सक्राइब कीजिए ओके टेस्टेड. एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच. इट वाज रियली फन टॉकिंग टू यू गाइस. एंड प्लीज स्टे सेफ. थैंक यू.